बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कल दी थी और अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अगर देखेगा सेबी कोई भी एक्शन लेता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सरकार ने अगर वैट हटाया तो जीएसटी आया। देखिएगा हर चीज का एक आउटकम होता है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है। मल्टीपल चीजें हटाई गई तो एक मल्टीपल चीजें लाई गई और लाने के बाद उसके देखिएगा रेट्स बढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे आप कान देखिएगा ऐसे पकड़ो या पूरा घुमा के पकड़ो, बात आपको कान पकड़ने ही पड़ेंगे। तो आपको पता है सेबी ने कल एक बात कही थी कि वो यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो एक तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे, यानी कि उनके जो देखिएगा बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो खत्म किया जाना चाहिए चाहे जितने भी ब्रोकर हों। तो आपने देखा था पूरे जितने भी ब्रोकर थे, डिस्काउंट ब्रोकर थे, फुल टाइम ब्रोकर थे, उनके स्टॉक में एंजल वन में तो 8% 10% तक का फॉल देखने को मिला था। क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, इस पर्टिकुलर चार्ट से जो ब्रोकर होते हैं वो बहुत बड़ा रेवेन्यू 15-20% नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर और जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो कमाते हैं 50% से भी ज़्यादा। तो अब आपको पता है कि उनके रेवेन्यू को हिट हुआ है। अगर रेवेन्यू को हिट होगा तो कोई ना कोई नई चीज आने वाली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे प्रोड्यूसर कितना सस्ता कर ले, होलसेलर कितना सस्ता कर ले, रिटेलर कितना सस्ता कर ले, कस्टमर को माल महंगा ही जाएगा। ये चीज एकदम देखिएगा कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिग ब्रोकर माइट हैव टू इंक्रीज। आपको पता है कि जैसे ब्रोकर्स ने ये बात सुनी तो वैसे ही ब्रोकर्स भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि उन्हें को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो माइट हैव टू इंक्रीज ब्रोकरेज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स। आपको भी पता है कि 15-20% का जो रिएक्टिफिकेशन है, जो सेट ऑफ है, वो कहीं ना कहीं और से किया जाएगा। आपको ये भी पता है कि जब आप मकान लेने जाते हो तो अगर आप डायरेक्ट पार्टी से बात कर लेते हो तो आपके बीच में ब्रोकरेज बच जाते हैं, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। कागज कैसे हैं, मकान कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक ब्रोकर हाउस बताता है। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी देखिएगा अगर आपको प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक चार्ट देना पड़ेगा और वो प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको सीमलेस स्मूथलेस देखिएगा यहाँ पे पूरी तरीके से अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इंडिकेशन क्या दी गई है डिस्काउंट ब्रोकर्स के द्वारा, मे हैव टू अबेंडन इट्स जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज फीस फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपको दो तरीके से इसमें देखिएगा यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, दोनों के चार्जेस बढ़ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे ये तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि FNO ट्रेडिंग के चार्जेस बढ़ेंगे। अब आपको पता है कि एक्चुअल में ये जो एक्शन लिया गया था वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देने के लिए दिया गया था रिटेल ट्रेडर को, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रोकरेज हाउसेस ने डायरेक्टली ब्रोकरेज बढ़ा दिया तो अब आपको और ज़्यादा पैसा, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो और भी ज़्यादा पर डे पैसा देना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी में जो चार्जेस नहीं लगते थे कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स में, तो वो डिलीवरी चार्जेस भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो जो रेवेन्यू फॉल है वो बड़ा फॉल है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे सेगमेंट से पूरा किया जाएगा जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपके भी स्टॉक्स होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे, तो अभी तक आपको डिलीवरी के बहुत सारे चार्जेस नहीं देने पड़े होंगे डिस्काउंट ब्रोकर में, तो वो लेकर एक रेगुलर फीस आपसे ली जाएगी, जिसके थ्रू देखेगा अब जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने पैसे को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो अगर आप देखेंगे एलिमिनेट वैरिड चार्जेस बेस्ड ऑन मेंबर वॉल्यूम एक्टिविटी मार्केट रेगुलेटर सर्कुलर स्टेटेड मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन हैव टू बी ट्रू लेबल। तो अगर आप देखेंगे ये इम्पैक्टफुल कब होगा, अक्टूबर 2 को, और आपको पता है सेबी एज मैंडेटेड न्यू चार्ज स्ट्रक्चर शुड लीड अ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर इंड क्लाइंट्स। इंड क्लाइंट्स के लिए कॉस्ट कम होगी, फेयर ट्रांसपेरेंट होगा इकोसिस्टम, इस तरीके की बातें कही गई थी। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस भी प्रिपेयर्ड रहेंगे और उन्होंने पहला तरीका निकाल लिया है कि अगर न्यू सर्कुलर इम्प्लीमेंट होता है तो हैव टू लेट गो ऑफ
जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज ब्रोकरेज फॉर एफएनओ ट्रेड। ब्रोकर अक्रॉस द इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव टू ट्विक देयर प्राइसिंग, यानी कि सभी के सब जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको अपने प्राइसिंग बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये जो रेवेन्यू फॉल होगा वो बड़ा फॉल होगा, वो डीप फॉल होगा, तो उसके चक्कर में इनको पैसा कहीं ना कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा, जिसका तरीका कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया है। तो इसीलिए बी रेडी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो वो हैं आपके चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।